पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सुबह 11:30 बजे से चंडीगढ़ पंजाब म्युनिसिपल भवन में एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सीएम मान पंजाब के विधायकों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में उनके द्वारा विधायकों से फीडबैक लिया जा रहा है। इसके अलावा विधायकों के इलाके में आ रही परेशानियों के बारे में भी मुख्यमंत्री जानकारी जुटा रहे हैं। पंजाब म्युनिसिपल भवन में अगर हम कहें कि आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने सभी विधायकों के साथ एक बैठक करने वाले हैं, आप देख सकते हैं कुछ देर में कि आज यहाँ तक अभी यहाँ पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री यहाँ पे पहुंचने शुरू हो चुके हैं। उसके साथ अगर हम बता दें कि पंजाब के स्पीकर भी यहाँ पे आ चुके हैं, इसके अलावा बाकी सभी विधायक एक एक करके अभी क्लियर है कि जो मीटिंग मीटिंग है कल ट्रेनिंग के तरफ से जानकारी मिल पा रही है कि आज की जो मीटिंग हो रही है इसमें सभी विधायकों से उनके एरिया का फीडबैक लिया जाएगा। जी बकायदा उनके एरिया का फीडबैक लिया जाएगा, चर्चा हो सकती है। पहले चले विधायकों से उनके एरिया का फीडबैक, जी तौर पर उनके एरिया में क्या दिक्कत परेशानियाँ आ रही है, क्या जरूरत है, उस एरिया का फीडबैक लिया जाएगा। लोगों की क्या राय है, जो नई बात जा रही है या कुछ भी आ रहा है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि सीएम भगवंत विचार करते हैं गल्लां नूं लेके कीती जाएगी। तो जी तुम देख सकते हो तस्वीर इस वक्त मुख्यमंत्री पंजाब का जिहड़ा काफिला हैगा वह सैक्टर 35 दे विच बने स्थानक सरकार विभाग के दाखिल हो चुका है और भगवंत मान के नाल राघव चड्ढा पिछली सीट ते बैठे हैं। सीएम पंजाब के भगवंत मान यहाँ पहुंच चुके हैं, उनके साथ ही राघव चड्ढा यहाँ पहुंच चुके हैं। उससे पहले आप बता दें कि पंजाब के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर की हम बात करें वो भी एक एक करके यहाँ पहुंचे। कैबिनेट मिनिस्टर की हम बात कर लें तो स्वास्थ्य मिनिस्टर विजय सिंगला, फिर हम खेती बाड़ी मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं लालचंद कटारू चाहे, फिर हम महिला संरक्षण की बात कर लें और तो हर कोई यहाँ पे एक करके यहाँ पे पहुंच चुका है। तो मीटिंग के लिए तो यहाँ पे सभी विधायक पहुंच चुके हैं। उसके अलावा एमएलए मंत्री हर किसी से ओपिनियन लिए जाएंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। जैसे अब तक जानकारी मिल रही है कि पहले फीडबैक लिया जाएगा कि जो पॉलिसीज बन रही है, जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसका लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, और उसके बाद सभी विधायकों से उनकी दिक्कत परेशानी पूछी जाएगी कि आपके एरिया में क्या दिक्कत आ रही है, क्या इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत है, क्या सपोर्ट आपको सरकारी की जरूरत है, कि आपको और फंड्स की चाहिए, कि आपको मोर मैन पावर की जरूरत है। उन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा की जाएगी। अब ये देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद कोई नया फैसला क्या पंजाब के लोगों के सामने आता है या फिर नहीं। कैमरा अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ चंडीगढ़ से अमित कुमार हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, 11:30 बजे से ये बैठक हो रही है जिसमें सीएम भगवंत मान विधायकों के साथ ये बैठक कर रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी प्रियंका, अगर की बात करें तो ठीक 11:30 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पे पहुंचे थे मीटिंग करने के लिए। उनके साथ पंजाब के राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा भी साथ थे और आपको बता दें पंजाब के सभी कैबिनेट मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को यहाँ पे सेक्टर 35 पंजाब म्युनिसिपल भवन बुलाया गया है। उन सबसे जब हमने बात की तो किसी ने ऐसे क्लियर नहीं बोला कि किन चीजों के ऊपर चर्चा होनी, पर यह जरूर जानकारी दे दी गई है कि पंजाब में जितने भी उनके हल्के के इश्यू थे वो लेके वो सब यहाँ पहुंचे, साथ साथ वो फीडबैक भी लेके पहुंचे कि लोगों की क्या डिमांड है, लोगों को क्या इश्यूज है, लोगों ने क्या चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, क्या मेन इश्यूज इस टाइम उठ रहे हैं। उन सभी चीजों की एक अगर फाइलें लेके सभी विधायक अपने अपने हल्कों से यहाँ पहुंचे, हर की अपनी अपनी राय देगा कि हमारे यहाँ पे ये इश्यूज आ रहे हैं, लोग ये चाहते हैं, लोगों की तरफ से ये फीडबैक है, जो हमने नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए, जो नए कदम उठाए हैं, चाहे किसानों को 1500 रुपए सीधी बिजाई के लिए जो कदम उठाए गए उसके रिस्पॉन्स, या फिर जो हम लोग 26,000 नई नौकरियां दी है उन सबका रिस्पॉन्स, उन सब चीजों की एक फाइल लेके सभी विधायक यहाँ पहुंचे हैं। और उसके बाद वो फाइल या फिर कहेंगे जो राउंड टेबल मीटिंग जो होनी है वहां पे, वहां पे भगवंत मान सब कुछ सुनेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपके हल्के में किस चीज को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, क्या आपको कोई इशू आ रहा है, क्या आपको कोई फंड की जरूरत है, या फिर मैन पावर, या कोई आपको किसी भी चीज की जरूरत है, उन सब चीजों के ऊपर बातचीत की जाएगी और क्या सुधार कर सकती है, तो फीडबैक लेके आए वो भी चर्चा में किए जाएंगे।
बिल्कुल अमित, जिस तरीके से देखने को मिलता है कि सीएम भगवंत मान ने जब से पंजाब की कमान संभाली है लगातार वो सतर्क नजर आते हैं और इसी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते रहते हैं। और इस बार 11:30 बजे से आज विधायकों के साथ ये जो बैठक चल रही है जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, इसमें विधायकों के साथ ये बैठक में चर्चा ये भी हो रही है कि आखिर उनके हलके में किस तरीके की परेशानियों का सामना जनता कर रही है। अमित, इस समय क्या लगता है, क्या चर्चा हुई होगी? ठीक है, जनता अगर बकायदा बोले तो विधायक अपने एग्जैक्ट एरियाज के इश्यूज लेके आए अपने साथ। हमने देखा कि हमने चेतन सिंह को देखा, उनके पास एक बड़ी मोटी फाइल थी, उनके अन्य विधायक जो जो यहाँ सबके हाथ में ही बहुत मोटी फाइलें हैं, उन फाइलों में जो हमने उनसे पूछा तो फाइलों में कहना कि लोगों की इच्छाएं हैं, लोगों की दिक्कत परेशानियां हैं, लोगों के फीडबैक्स हैं, ये सब सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि जो भी लोगों के इश्यूज हैं वो सब लेके यहाँ पे आए, जो उनके अपने खुद के सुझाव है वो लेके यहाँ पे आए, जो उनके एरिया को जरूरत है, जो वादे उन्होंने लोगों से किए थे जब वो विधायक के लिए अपने इलेक्शन लड़ रहे थे, वो सब चीजें वो लेके यहाँ पहुंचे और यही सब चीजें वो अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सौंपेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका रिस्पांस क्या है कि लोगों से हमने वादे किए थे ये कदम उठाए जा रहे हैं पर हमें इन चीजों की जरूरत है, हमें इस सहायता की जरूरत है, तो उन सब चीजों को कंसिडर किया जाएगा। बिल्कुल अमित, अब देखना होगा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान कितनी अपने वादों पर खरे उतरते हैं। लेकिन क्या अमित, आपकी वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति विशेष से बातचीत हुई है? अरे आज तक अभी कोई भी विधायक कुछ भी बोलने से बच रहे हैं कि पहले कर मीटिंग क्लियर हो जाए, मीटिंग में बताया गया है एग्जैक्ट हमसे डिटेल्स मांगी गई कि अब मीटिंग के बाद क्लियर हो पाएगा कि किन किन चीजों पर अंदर चर्चा हुई, कैसे फीडबैक्स किए गए या फिर इश्यूज सभी विधायक लेके आए उनको भी कंसिडर किया जाए। आपको बता दें इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकारी कोठी में पदकित साहब के सभी विधायक पहुंचे थे अपने एरिया के इश्यूज देखे, उस समय उन्होंने अपने हलके के थे और भगवंत मान ने उनको बकायदा इंश्योरेंस किया था कि जो आपके इश्यूज है हम उसे कंसिडर करेंगे। पर आज अगर बात करें मुंसिपल भवन इसमें सभी विधायक हैं, क्या यहाँ सभी विधायक अपने इश्यूज लेके पहुंचे हैं, क्या उनको एक साथ कोई बड़ा नई रूपरेखा बैठक वो सब थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा? बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर विधायक अपनी परेशानियां लेकर ये जो भगवंत मान सीएम भगवंत मान के पास पहुंचे हैं उनकी शिकायतों का निपटारा होता है या नहीं। लेकिन अमित, आपसे ये जानना चाहेंगे 11:30 बजे से ये बैठक आरंभ हो चुकी है, आखिर कितनी देर तक ये बैठक और चलने वाली है और क्या आगे मसला हो सकता है? 11:30 बजे पहले जो जानकारी मिल रही थी 11 बजे शुरू होती पर सीएम साहब को 11:30 है तो औसतन एक से डेढ़ घंटे मीटिंग चलने की जानकारी मिल रही है, तो 12:30 से 1 बजे तक ये मीटिंग चल सकती है, उसके बाद ही शायद क्लियर हो पाएगा कि मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, क्या चीजें अगर हम कहें कि जिनके ऊपर मेन मीटिंग चलाई गई। बिल्कुल, धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज 11:30 बजे से सीएम भगवंत मान मीटिंग कर रहे हैं विधायकों के साथ और अब देखना होगा कि विधायकों की शिकायतों का निपटारा कर पाते हैं स्थानीय जनता जो उनके पास शिकायत लेकर पहुंची हुई है सीएम भगवंत मान के पास, उनकी शिकायतों का निपटारा वक्त पर हो पाता है या नहीं।